गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चार डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना के दुर्व्यवहार से परेशान होकर आज ओपीडी सेवा बंद कर दी गई। डॉक्टर रंजनी कुमार ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना अस्पताल परिसर में हमेशा शराब पीकर आते हैं और सिगरेट पीते हैं और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन्होंने डॉक्टर विवेक के साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी तहरीर गदरपुर पुलिस को दी गई। जब तक डॉक्टर सरना अपने मूल स्थान पर नहीं जाते, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, इमरजेंसी सेवा चलती रहेंगी। उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि जब तक डॉक्टर संजीव सरना को अपने मूल स्थान पर नहीं भेजा जाता, तब तक हम लोग ओपीडी सेवा नहीं करेंगे। ये मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे गदरपुर सीएससी पे पोस्टेड हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर। मेरी पिछले 20 साल की नौकरी हो चुकी है, 20 साल की नौकरी पहाड़ पे करके मेरा पहली बार ट्रांसफ़र यहाँ पे गदरपुर में प्लेन्स में हुआ है, सुगम एरिया में पहली बार ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे जब से आया हूँ, शुरुआत में तो शुरू से मैं यही देख रहा हूँ कि जो ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, ये दिन भर शराब के नशे में धुत रहते हैं। शराब के नशे में जो है मीटिंग बुलाते हैं और फिर अनर्गल बातें उसमें करते रहते हैं। कल और इन्होंने जो ये डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम है, ईएमओ रूम, जिसमें जो है इमरजेंसी डॉक्टर रहता है, उसको जो है अपना अड्डा बना रखा है। वहाँ पर ये दिन भर दारू पीते हैं, उसके अंदर सिगरेट पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और भी लोगों को बुला बुला के वहाँ दारू पिलवाते हैं, सिगरेट पीते हैं और यही करते रहते हैं। तो उनसे क्या दुर्व्यवहार हुआ? उनसे पहले भी हो चुका था। मैंने एक बार सर से कहा भी, सर हम लोग कहाँ पे रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो उसी में उनको जो है शायद बात बुरी लग गई थी। कल मेरी 24 घंटे की ड्यूटी थी यहाँ पर, 24 घंटे। आज मेरी 8 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई है। कल सवेरे 8 बजे से ड्यूटी कर रहा था और आज सवेरे 8 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई है। कल रात में मैं इसमें आकस्मिक जो चिकित्सक कक्ष है वहाँ पे बैठा हुआ था, तो डॉक्टर सरना वहाँ अंदर से आए और उन्होंने कहा आप जो है कमरे में आइए मेरे ये ऑफिस वाले में। और उन्होंने डॉक्टर अंजू और डॉक्टर अंजनी को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर अंजनी कहीं गए हुए थे और डॉक्टर अंजू भी नहीं थी, तो मैं चला गया। मैंने फिर वहाँ बैठे हुए थे तो फिर उन्होंने जो है वही पुरानी बात को लेके कि डॉक्टर साहब ये वो जो कमरा है वो इमरजेंसी कमरा नहीं है, वो मेरा कमरा है। मैंने सर से कह दिया, सर वो वैसे तो वो ईएमओ का कमरा होता है जिसमें रहता है, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप रह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जो है हम दूसरे कमरे में रह लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो जो है फिर वो हमसे कहने लगे, अच्छा तो फिर डॉक्टर अंजनी जो इस कमरे में रहते हैं वो कमरा हमें दिलवाइए। मैंने कहा सर मैं कैसे दिलवा सकता हूँ, ना तो मैं MOIC हूँ और ना मैं CMO हूँ। फिर उसके बाद फिर वो जो है उसी के बाद से भड़क गए और तरह तरह की गालियाँ देने लगे। अब वो गाली में समझ नहीं रहेगा कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे गलत गलत इशारे कर रहे हो। हाँ, और उसके बाद फिर मैं जो है बाहर निकलने लगा, वो पीछे पीछे चलते आए गाली देते हुए। यहाँ बाहर आए तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ तो गोली चल जाएगी अभी। तो फिर उसके बाद मैं जो है जब गोली चल जाएगी बात सुना तो मैं डर गया और मैं जो है तुरंत जो है पुलिस के पास CMO साहब को फ़ोन किया और CMO साहब को फ़ोन करने के बाद मैं पुलिस के पास चला गया तहरीर देने। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि हम कुछ नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि हम इन वैसे भी जो है ये हम जैसे डॉक्टर अंजनी हैं ग्रेड पे में ऊपर हैं, इनका यहाँ पर जो है अटैचमेंट है, इनके अंडर में हम लोग चार डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं। अगर उनको ट्रांसफ़र यहाँ से किया जाए, बस हम ये। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।